सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस टाइप से अपने फ़ोन में जीमेल आईडी बना सकते हो, जीमेल आईडी क्रिएट कर सकते हो, और अगर आपने नया फ़ोन लिया है तो उसमें भी क्या प्रोसेस रहेगी वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। और अगर आपने ऐड करना है जीमेल आईडी को, मीन्स एक फ़ोन में 2 से 4 जीमेल आईडी चलानी है, तो वो भी कैसे क्रिएट करते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है, प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर की जगह आप यूट्यूब भी आप ओपन कर सकते हो। सबसे पहले प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। इस टाइप से आपको प्ले स्टोर ओपन करने के बाद गाइज आपको यहाँ पर आपके सिंबल पर क्लिक करना है, अगर एक और अकाउंट आपको बनाना चाहते हो तो। तो सबसे पहले आपको गाइज यहाँ पे मेरे बहुत सारे अकाउंट है तो इसलिए ऑप्शन है यहाँ पर नीचे आ रहा है बाद में। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ऐड अनादर अकाउंट यहाँ पर आपको देख लेना है। यहाँ पर आपका ऐड अनादर अकाउंट होगा अगर आपकी एक जीमेल आईडी बनी होगी तो। ऐड अनादर अकाउंट पर क्लिक करना है आपको यहाँ पर। और अगर गाइज आप समझ लीजिए, अगर आपका नया फ़ोन है, जैसे ये नया फ़ोन है मेरा, और मैं नया फ़ोन जैसे ही प्ले स्टोर ओपन करता हूँ तो आपको देख सकते हैं यहाँ पर, इसके बाद में आपको आपको यहाँ पर एक नई जीमेल आईडी बनाने का मीन्स ऑप्शन रहेगा। आप मीन्स अपने अकॉर्डिंग आप बना सकते हो, जो भी आपको नाम रखना है, जो भी जैसे आपका रोहित नाम हुआ तो आप रोहित रोहित कोई भी सरनेम आपका हुआ, रोहित सरनेम आपका डाल के जो भी आपका फ़ोन नंबर या फिर आपको कुछ अच्छा सूटेबल नंबर लग रहा है वहाँ पर डाल सकते हो। फिर आपको वही ईमेल आईडी आपकी बन जाएगी, जैसे मैं यहाँ पर बना देता हूँ। गाइस यहाँ पर मैंने ये मेरी जीमेल आईडी मेरे अकॉर्डिंग मैंने बना ली है। फिर आपको देखना है कि ये किसी ने मीन्स पहले से ही तो नहीं सिलेक्ट कर लेनी है। देख सकते हैं मैंने कुछ डिफरेंट टाइप की करी है। तो फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। सो गाइस देख सकते हैं नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ये आईडी जो भी मैंने सिलेक्ट करी थी वो किसी ने नहीं ली है। और अगर किसी ने ली होती मीन्स किसी के पास ऑलरेडी ये नाम की जीमेल आईडी रहती तो आपको मीन्स अपना कुछ भी चेंजेस करना रहता जो कि सबसे डिफरेंट होता। तो आपको पासवर्ड डाल लेना। अब आप मैं यहाँ पर पासवर्ड डाल लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैंने पासवर्ड डाल लिया। यहाँ पर पासवर्ड डालने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, अगर आपको ये पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हो। फिर आपको यहाँ पर देख सकते हैं यस आई एम इन, यहाँ पर देख सकते हैं इस पर क्लिक करना है आपको। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो जीमेल है वो यहाँ पर रेडी हो चुकी है। फिर आपको क्या करना है गाइज, यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ये नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। फिर गाइज यहाँ पर आपको टर्म्स एंड कंडीशन आपको देख लेनी है। फिर आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद गाइज यहाँ पर देख सकते हैं आई एग्री पर क्लिक करना है। यहाँ पर आई एग्री पर मैं क्लिक कर देता हूँ। सो गाइस यहाँ पर हमारी जीमेल आईडी बन के रेडी हो गई है। अगर आपको वो जीमेल आईडी को अगर आपको देखना है तो आपको यहाँ पर सिंबल पर क्लिक करना है। और अगर आपका कोई भी अदर अकाउंट नहीं बना रहेगा तो आपको यहाँ पर सिंपली जीमेल आईडी देखने को मिल जाएगी आपकी। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं मेरी जीमेल आईडी सबसे लास्ट में दिखेगी, ये देख सकते हैं आप। ये हमने बनाई थी ऋषिकेश सिंह नाम से, ऋषिकेश9878@gmail.com वाली हमने बनाई थी ये जीमेल आईडी। तो गाइस यहाँ पर हमारी जीमेल आईडी बन के रेडी हो चुकी है। सो गाइस वीडियो यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। आप गाइस जरूर से सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। थैंक यू गाइस।